एनएचएम मुलाजमान वालों उन्होंने रेगुलर करने लिए लगातार संघर्ष जारी है, जिसके चलते फगवाड़ा विखे अज फिर सिविल हस्पताल विखे एनएचएम मुलाजमान वालों पंजाब सरकार खिलाफ रोस जाहिर किया गया और हाथों में तख्तियां फड़ पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके डॉक्टर प्रभजोत कौर जब्बल ने कहा है कि सरकार वालों उन्होंने इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि कोरोना योद्धा ने ड्यूटी सही तरीके नाल नहीं की। उन्होंने कहा है कि वह समय सिर अपने काम से आते रहे हैं और अज भी वह आए हैं, पर पंजाब सरकार वालों उन्होंने पक्के करना तो दूर की गल है, उन्होंने आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार वालों विज्ञापन दिता गया है नौकरियों लिए, पर उन्होंने पक्का नहीं किया जा रहा। इस मौके होर एनएचएम मुलाजमान ने कहा है कि जेकर उन्होंने मंगा ना पूरी हुई तो संघर्ष होर तेज किया जाएगा, जिस लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी। सर मैं एनएचएम मुलाजम हाँ, मैं अज स्टाफ नर्स काम कर रही हूँ। मैं सर ये गल पूछना चाहनी है, एक तो एनएचएम मुलाजम तुम कह रहे हो काम कोई नहीं करता पाया, मैं एक खुद स्टाफ नर्स होकर मैं एक आइसोलेशन वार्ड के भी काम कर रही हूँ, एनआरआई के नाल भी डील कर रही हूँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा सारा वेरवा जरा वो मैं ही देखती हाँ। एक बंदे दे कोलों तुसीं मल्टीपर्पज़ काम लेंदे हो तो तनखाह सिर्फ देंदे हो 10,000, 10,000 दे विच किद्दां गुजारा हो सकता है? जिहड़े लोगों ने तनखाह लोन लए हुए आ वह किद्दां अपना घर का खर्चा चक्कणगे? एक आप तो जो सिंगल हाँ चलो साड़ी फैमिली चल सकती है, पर एक फैमिली वाले लिए जिन्हें बच्चे आ स्कूल पढ़ते पे आना 10,000 किद्दां गुजारा कर सकते हैं? तो डाइट वगैरह जी सब कुछ इस कोविड के सब तो ज़्यादा जरूरी है। सानू कोई भी छुट्टियां नहीं दित्तियां जा रही, लैटर से लैटर निकल रही है कि तुहाडे सारी छुट्टियां कैंसल की जा रही। अगर आप दो छुट्टियां भी लेंदे हाँ सानू उहदे लई भी जवाब देना पैंदा कि तू छुट्टियां क्यों लईआं, महीने बाद असीं घरे जाईदा आ। उसदे उत्ते भी सवाल पैदा किए जाते हैं। सर 10,000 दे नाल कुछ नहीं बनता, इसलिए सरकार तो यही बेनती है कि सानू बेसिक पे दे विच ना रखा जाए, जो भी आप तनखाह लै रहे हैं उहदे विच ही रखा जाए। एनआरआई जिहड़े एनआरआई वीर वगैरह आंदे आ की तुसीं उहनां नूं मतलब की डील कर रहे हैं? बिल्कुल जी, जो भी एनआरआई आते हैं सब तो पहले सानू ही कॉल आती है कि यह एनआरआई आ गए हैं, तो जो भी उन्होंने प्रबंध किया गया चाहे होटल के चाहे कोई निरंकारी भवन है, जो भी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वो साढ़े द्वारा ही उन्होंने देखा जाता, उन्होंने सैंपलिंग भी की जाती है। जोड़े होम क्वारंटीन हुए एनआरआई सारा वेरवा जोड़ा असी ही लेंगे, उन्होंने देखभाल अगर पॉजिटिव आ जाता है फिर उन्होंने शिफ्टिंग भी जी साढ़े द्वारा ही की जाती, वो भी सिर्फ एनएचएम मुलाजम ही करता है। एम डी सर ने जो सू वर्डिंग कही थी कि तुम कम नहीं कर रहे, तो असं अपना काम करते करते हुए सब जिदा कि तुम देख रहे हो कि मेरी पिठ से भी असं अपने स्लोगन लगाए हुए हैं, असी काम करते करते हुए सरकार ने यह कह रहे थे कि असी काम नहीं कर रहे, सो ताकि लोगों तक भी मैसेज पहुँचाए, क्योंकि उन्होंने अपनी अपील के एक मैसेज दिता सी कि असी मनुखता विरोधी कदम चक रहे हैं। सर जे असी मनुखता विरोधी होंदे असी 4 महीने तो अपना घर परिवार छड़ के इत्थे सेवा नहीं करते होंगे। दूजी गल सब तो मेन गल जिहड़ी इह आ कि हुण जिहड़ा साडा असी लगातार अपना रोस प्रदर्शन कर रहे सीगे उहदे विच साडी हुण जिहड़ी 7 तरीक दी हड़ताल सी सरकार ने उहदा थोड़ा असर होया। सरकार ने सानू एक पैनल मीटिंग दित्ती, पैनल मीटिंग दे विच एक उन्होंने सानू वादा कीता कि वह जिहड़ी है 15 दिनों तक सानू पक्के करनगे, पर सर सानू जो सुनने विच आया कि उन्होंने कहा कि बेसिक दे करनगे। सर असी इस गल लई बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि इन्ने साल काम करन तो बाद बहुत सारे बंदे आ जिन्हां नू 10-10 साल 14 साल हो गए ने, 5 साल 6 साल तो मैनू ही हो गए ने, असी फिर भी प्रोबेशन ते काम करिए 10,000 ते काम करिए, फिर असी पक्की होली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी असी कोरोना महामारी दे विच 10,000 ते काम कर रहे हैं और इदू बाहर की हो सकता है कि असी कच्चे कामे हैं जो असी लगातार 70-80% जिहड़े एनएचएम दे विच काम कर रहे हैं। सैकेंड गल सर उन्होंने जिहड़ी गल कही सी कि जो अपील सानू करते हैं मेरी एक तरह की उन्होंने बेनती भी आ कि वह अपील एक बार सीएम साहब नू करन कि जिन्हां कोरोना योद्धां दी वह वीडियो कॉल करके तरीफा करते हैं, परनीत मैडम जी ने साडे कैपिडमोलॉजिस्ट ने उन्हां दी तारीफ की है कि वह घर बैठे कोरोना नाल संक्रमित ने ते वह काम कर रहे हैं, पर उन्हां नू पता होवे कि सारे एनएचएम के कर्मचारी ने जो घर बैठे भी काम कर रहे हैं और फिर भी उन्होंने सुनने को मिलता है कि वह काम नहीं कर रहे। असी सारे बंदे जिहड़े आ ठेके ते काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग है, कच्चे कर्मचारी हाँ, सारे अपना घर परिवार छड़ के काम कर रहे हैं। असी सिर्फ इक्को एक साडी मंग है सानू पक्के किया जाए, जिहड़ा साडे कच्चे का टैग आ साडे इन्ने सालों तो साडे उत्ते लग्या उहनू मिटाया जाए, क्यों? क्योंकि सरकार जो आई सी सरकार ने वादा किया सी, उहदी साडे कोल कटिंग भी हैगी आ कि उहदे विच उन्होंने अमरिंदर सिंह जी ने कहा सीगा कि सानू पक्के किया जाएगा जिद्दां ही उन्होंने सरकार आएगी, तो उन्होंने सरकार नू हुण सिर्फ 1.5 साल रह गया आ, तो हुण कोरोना महामारी के दौरान च भी जिथे वो देख रहे हैं कि उन्होंने बंदे जिहड़े कौन कौन काम कर रहे आ सानू कुछ दसण दी लोड़ नहीं है सर कि असी कौन काम कर रहे आ, लोग भी देखते हैं। सिर्फ असी अपनी जिहड़ी 27 तरीक की हड़ताल से उन्होंने मुलतवी इसे करके की
क्योंकि असं मनुखता के विरोध ना तो जाना चाहते हैं ना ही असं सरकार को अपील करते सानू मजबूर किया जाए। हुण सरकार ने जिहड़ी अपील की सोचो यही कहना चाह रहे थे, साडा प्रोटेस्ट लगातार इसलिए जारी सी, सत्त तरीक की अज की एक दिन हड़ताल सी जिन्हों सरकार ने एक बार फिर चलो साढ़े सामने प्रपोजल रखा आ रेगूलर करन दा। पर मैं सिर्फ इको एक बेनती करती हाँ कि यह सिर्फ इस वादे नू सरकार पूरा करे। फगवाड़ा तो यश शर्मा की रिपोर्ट। हुण समस्या भावें किड्डी भी होवे घबराउण की लोड़ नहीं क्योंकि पंडित विखे शास्त्री करनगे तुहाडी हर समस्या का समाधान। सत्त समुंदरों पार बैठे भी तुसी एक फोन ते करवा सकते हो कम, जिवें वशीकरण, लव मैरिज, विदेश विच पक्के होना, पीआर दी समस्या, संत दुश्मन तो छुटकारा, कर्जा मुक्ति, पति पत्नी विच क्लेश, कोर्ट कचहरी, बच्चों का कहने तो बाहर, तुहाडे भैण भरा या प्रेमी प्रेमिका नूं किसे दे वस विचों बाहर कढ़न लई तुरंत पंडित विखे शास्त्री नूं फोन करो। श्री श्याम ज्योतिष केंद्र टिल्लो मार्केट नजदीक रेलवे लाइन गुराया। आने तो पहला फोन जरूर करो, फोन नंबर 9962298782।